फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन अपने पीसी या लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से आप आधार कार्ड में अपडेट या कोई भी करेक्शन कैसे कर सकते हैं। अपडेट या करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आधार से रिलेटेड कई सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। अब चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको आधार से रिलेटेड कई सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस, अगर आपने ऑर्डर किया है तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस चेक कर सकते हैं, इनरोलमेंट सेंटर लोकेट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं। आप यहां से अपना आधार नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं और यहीं से आप अपने आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके आधार कार्ड का कोई मिसयूज नहीं कर सकता। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, नेम एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका आधार कार्ड लॉक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लॉगिन करेंगे। इसके लिए लॉगिन करने के लिए आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, कैप्चा एंटर करना होगा और इसके बाद ओटीपी एंटर करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाएंगे। डैशबोर्ड में जैसे ही आप लॉगिन होते हैं, वहाँ पर आपको आधार से रिलेटेड और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आधार कार्ड में करेक्शन या कोई भी अपडेट करने के लिए या पीवीसी ऑर्डर करने के लिए आपको केवल 50 रुपये का ही पेमेंट करना होता है, जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी चीप है। यहाँ पर आपको सर्विसेज मिल जाती हैं, आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, अपडेट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बैंक लिंकिंग स्टेटस अभी एक्टिव नहीं है ये कि आप चेक कर पाएँ। VID जनरेट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक भी यहाँ से आप नहीं कर सकते, ऑफलाइन KYC कर सकते हैं और पेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री में मैं देखूंगा तो मैंने पिछला पेमेंट कैंसिल कर दिया है और अभी मैंने एक पेमेंट उसको भी कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर डाउनलोड आधार पर क्लिक करके मैं अपना आधार कार्ड अपने Gmail पे डाउनलोड करके रख सकता हूँ। यहाँ पर आपकी डिटेल्स ओपन हो जाती हैं, यहाँ आप डाउनलोड पर क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। मुझको डाउनलोड नहीं करना, बैंक आते हैं। अब दूसरे नंबर पर है ऑर्डर PVC कार्ड। अगर आपको PVC कार्ड चाहिए तो आप इस पर आएंगे, अपनी डिटेल्स चेक करेंगे और 50 रुपये का पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट के कई सारे मेथड हैं। इसके बाद आते हैं अपडेट आधार पर। अपडेट आधार में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नेम, टू अपडेट्स लेफ्ट, नेम आप लाइफ में केवल 3 बार ही अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 1 टाइम। इसके बाद एड्रेस आप कई बार अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ या नेम प्रूफ, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं उसका एक वैलिड प्रूफ देना होता है और 50 रुपीज़ का आपको पेमेंट भी करना होता है। आप नीचे क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने एड्रेस करा है तो आपकी जो प्रीवियस एड्रेस है वो ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप नया एड्रेस इंटर करेंगे। इसके बाद आप एड्रेस प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ भी ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, वाटर बिल, राशन कार्ड, इनमें से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। आप डिजी लॉकर से भी डायरेक्ट यहाँ ला करके कोई भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और आपका एड्रेस within 1 week अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आधार कार्ड में आप ऑनलाइन अपडेट कैसे कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप PVC आधार कार्ड चाहते हैं तो उसके लिए आप यहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।